हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं APECET के बारे में। सो गाइस, ये APECET क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम किसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, ये एग्जाम देने के बेनिफिट्स क्या क्या, इसके एप्लीकेशन किस तरह से फिल करना है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पे आपको APECET और इस तरह के और कई सारे वेरियस एग्जाम से सिमिलर एग्जाम से जिसकी अपडेट सबसे पहले टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइस सबसे पहले APECET का फुल फॉर्म देख लेते। APECET स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि गाइस स्टेट लेवल एग्जाम है, आंध्र प्रदेश स्टेट का एग्जाम है और ये एग्जाम कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अनंतपुर के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। अब गाइस ये एग्जाम को देने से आपको इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, BSc, मैथमेटिक्स, डिग्री होल्डर्स, इस तरह के कई सारे वेरियस फील्ड्स में न्यूमरस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं। UG एंड PG दोनों ही लेवल के कोर्सेज में एडमिशन मिलेंगे। अब एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, तो गाइस यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटीज में आप लोगों का एडमिशन मिल सकते हैं। जी हाँ, मीन्स अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो अगर आप APECET एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई करते हैं तो आंध्र प्रदेश स्टेट में वेरियस गवर्नमेंट एंड वेरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल सकते हैं। मीन्स अगर आपको आंध्र प्रदेश स्टेट में एडमिशन चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मेसी, BSc, डिग्री होल्डर, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी भी UG या PG कोर्सेज में आंध्र प्रदेश स्टेट में आपको एडमिशन चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट, तो उसके लिए आपको APECET का एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो गाइस इसके हाइलाइट्स तो हमने देख लिए, अब इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं। लाइक सबसे पहले इसकी डेट्स के बारे में जानते हैं। तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिवली मार्च में रिलीज किया जाता है। एग्जाम आपका जून में कंडक्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है मिड ऑफ जून में। ऑल्दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू एक्चुअल डेट्स अनाउंस नहीं की गई है, जैसे एक्चुअल डेट्स अनाउंस हो जाएगी हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे एंड स्टूडियो में आपको हर एक इवेंट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वीडियो, एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो गाइस आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी गड़बड़ करते हैं, मिस्टेक करते हैं, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स एंटर करते हैं, तो गाइस आपका एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही ना हो। तो क्यों गाइस यहाँ पे रिजेक्शन फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, उसका रीजन और उसका सॉल्यूशन दोनों आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर करना होगा। After registration, you have to enter all your personal details like your name, email address, mobile number, date of birth, communication address, then your parents' details, then you have to enter all your documents, photographs, signatures, scan करके upload करना होगा, last में आपका education qualification details enter करनी, and then lastly आपको application fee pay करना होगा। Your application fee is 500 rupees, आप debit card, credit card, net banking के through आसानी से application fee pay कर सकते हैं। अब guys बात कीजिए आप लोगों के प्रोसेस की। तो गाइस ये प्रोसेस अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो वेल लैंग्वेज एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं उन्हें ये प्रोसेस नहीं पता होता है, किसी भी तरह कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हो ही जाती है और एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है या उन्हें काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है। तो गाइस इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी तुरंत, क्योंकि जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे एंड गाइस उस वीडियो में आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आपको पे करके बताया जाएगा। सो गाइस मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ताकि आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अब गाइस बात कीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले नेशनलिटी की बात की, तो गाइस आप यहाँ पे भारतीय नागरिक रहने चाहिए, आपके पास आंध्र प्रदेश स्टेट का डोमेसाइल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। देन गाइस मिनिमम 45% मार्क्स आपके रहने चाहिए जनरल कास्ट के लिए, रिजर्व कास्ट के लिए 40% मार्क्स आपके रहने कंपलसरी मैंडेटरी है। अब गाइस नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, तो आप लोगों का जो एग्जाम है गाइस ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड से आपका एग्जाम होने वाला है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही लगेगा वो एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। टोटल क्वेरीज की बात की जाए तो 200 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, 4200 यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट बात कीजिए आपको ड्यूरेशन की, तो 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर कंप्लीट करने के लिए, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, विच मीन्स हर एक से आंसर पे आपको एक मार्क्स दिया जाएगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। अब गाइस अगर आपको सिलेबस चाहिए, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए टॉपिक वाइज, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो, वहां से सारी चीजें चेकआउट कर पाएंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे एडमिट कार्ड की,
तो गाइस आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड में आपकी बेसिक सी चीजें रहती है लाइक योर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सब्जेक्ट, टाइमिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस। बट प्रॉब्लम ये है कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता और वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, कई बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक नहीं मिल पाती। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, आई होप नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि एडमिट कार्ड के लिए अगेन आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, दैट्स इट, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, सेम एज इट इज फॉर रिजल्ट, काउंसलिंग एंड बाकी सारे प्रोसेस आपको लाइव परफॉर्म करके बताए जाएंगे। सो गाइस नाउ आई होप आपको एपीईसीईटी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी इश्यू, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।